हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जज और मजिस्ट्रेट में अंतर क्या होता है। चलिए इसको समझते हैं। जज और मजिस्ट्रेट ये दो शब्द ऐसे हैं जिसे हमने कई बार सुना होगा। हम में से कई या तो इसे एक ही समझने की भूल करते हैं या फिर शायद इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। चलिए आज कानून के बेहद जटिल शब्दों से बचते हुए आसान भाषा में समझते हैं कि क्या जज और मजिस्ट्रेट एक ही होते हैं या फिर इनमें कोई फ़र्क होता है। अगर फ़र्क होता है तो अंतर क्या है। इससे पहले हम जज और मजिस्ट्रेट के बीच के अंतर को समझें, हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि कोर्ट में मामले कितने तरह के होते हैं। जनरली भारतीय कानून में दो तरह के मामले होते हैं। फर्स्ट सिविल केस, जिसे हिंदी में व्यवहार विधि या उर्दू में दीवानी मामले कहते हैं, ये उर्दू वाला शब्द आपने ज़रूर सुना होगा। और सेकंड है क्रिमिनल केस, इसे हिंदी में दांडिक मामला और उर्दू में फौजदारी मामला कहते हैं। सिविल मामलों का जिक्र CPC यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 की धारा 9 में है। और इजी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि सिविल मामले और क्रिमिनल मामले क्या होते हैं। जहाँ अधिकारों की बात हो, उसकी मांग हो, हर्जाना, क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन मांगी जाए, वो मामला जनरली सिविल होता है। वहीं जहाँ किसी अपराध के लिए सजा की मांग की जाए, वो क्रिमिनल मामले होते हैं। चलिए इस एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी को मकान किराए पर दिया, लेकिन वो शख्स आपके मकान पर कब्जा करके बैठ गया। आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोर्ट से मांग करते हैं कि आपको आपका मकान वापस दिलाया जाए, साथ ही जितने दिन किराएदार मकान में रहा उसका किराया भी वसूला जाए। यहाँ यह मामला पूरी तरह सिविल होगा। अब मान लीजिए कि आप किराएदार के खिलाफ कोर्ट पहुंचे और आपने मकान वापस दिलाने के साथ साथ किराएदार के लिए सज़ा की भी मांग की, तो यहाँ यह मामला सिविल और क्रिमिनल दोनों पैटर्न का हो जाएगा। लेकिन कुछ मामले जैसे कॉपीराइट और पेटेंट के मामले पूरी तरह सिविल होते हैं। अब आते हैं जज और मजिस्ट्रेट की तरफ। हमने जैसा कि उदाहरण को समझने के बाद आपको जज और मजिस्ट्रेट के फर्क को समझने में आसानी होगी। जो सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं उन्हें जज कहते हैं, जबकि जो क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करते हैं उन्हें मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी कहते हैं। मजिस्ट्रेट भी कई तरह के होते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कार्यपालक यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। लेकिन मजिस्ट्रेटों के प्रकार पर हम किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ आज बात करेंगे जज और मजिस्ट्रेट के अंतर की। तो आपको मैं बता दूं कि सिविल जज और मजिस्ट्रेट लोअर कोर्ट में बैठते हैं। आप इसे यूँ समझ लीजिए कि लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे का कोर्ट होता है। अब जब मामला लोअर कोर्ट से ऊपरी अदालत यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, तो वहाँ सिविल जज और मजिस्ट्रेट के साथ साथ अदालतों के नाम भी थोड़े बदल जाते हैं। जैसे जब मामला जिला स्तर के कोर्ट में आता है, तो अगर मामला सिविल यानी दीवानी है तो उसकी सुनवाई जिला अदालत या जिला न्यायालय में होगी। अगर मामला फौजदारी या क्रिमिनल है तो उसकी सुनवाई सेशन कोर्ट यानी कि सत्र न्यायालय में होगी। आपने कई बार कोर्ट के बाहर लिखा देखा होगा जिला एवं सत्र न्यायालय, ये इसीलिए लिखा होता है। अब जब जिला स्तर के अदालत में सिविल मामलों की जो सुनवाई करते हैं उसे डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, जबकि जो क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करते हैं उन्हें सत्र न्यायाधीश यानी सेशन जज कहते हैं। यहाँ एक बात और बता देती हूँ कि सेशन जज को फांसी की सज़ा देने का भी अधिकार होता है। हाँ, यह बात है कि हाई कोर्ट की उस पर मुहर लगना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ एक बात आपने गौर किया होगा कि जब तक मामला लोअर कोर्ट का होता है तब तक मामले की सुनवाई करने वाले के बीच जज या मजिस्ट्रेट का फ़र्क होता है, लेकिन जिला अदालत में आते ही जज और मजिस्ट्रेट के बीच का फ़र्क खत्म हो जाता है और दोनों ही जज कहलाते हैं। इस तरह जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ जज न होकर न्यायमूर्ति हो जाते हैं। अब न्यायाधीश और न्यायमूर्ति क्या है, इसकी जानकारी किसी दूसरे वीडियो में। फिलहाल के लिए ये वीडियो देखने के बाद निश्चित तौर पर जज और मजिस्ट्रेट में अंतर को आपने समझ लिया होगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।